शिव ने प्रभाग क्रमांक 4 में दीपावली के दिन जगह को लेकर गजानन डायरे और फुलबादे परिवार में विवाद हुआ था, जिनमें महिला आशाताई फुलबादे को गजानन डायरे ने धक्का दिया था। उसमें आशाताई घायल हुई थी, जिसकी वजह से आशाताई को पुलिस वाहन में घटनास्थल से ग्रामीण अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। आशाताई की हालत नाजुक होने से उसे पारशिवनी ग्रामीण अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल नागपुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान आशाताई की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के लिए गजानन डायरे और उसका भाई जिम्मेदार होने का आरोप परिजनों ने लगाते हुए पारशिवनी पुलिस आरोपी को आश्रय देने से यह घटना होकर आशाताई की मृत्यु होने का सीधा आरोप परिजनों ने लगाया। पुलिस पर आरोप लगाते हुए मृत आशाबाई के शव को पारशिवनी पुलिस थाने में लाया गया, जहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग परिजनों के साथ लोगों द्वारा की गई थी। जब तक घटना में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने का निश्चय परिजनों ने किया था। आशाताई की इलाज के दौरान मौत होने से कसूरवार को तुरंत गिरफ्तार कर उस पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग नाभिक एकता मंच ने गुरुवार को तहसीलदार थानेदार को निवेदन देकर की, जहां बड़ी संख्या में परिजनों के साथ नाभिक एकता मंच के सैकड़ों लोग इस मोर्चे में निवेदन देने के लिए शामिल हुए थे। घटना में लिप्त सहयोगी आरोपी की तलाश कर उस पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग एकता नाभिक मंच द्वारा की गई। तहसीलदार प्रशांत सागड़े को निवेदन देकर इस घटना में लिप्त आरोपी और आरोपी को आश्रय देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिजनों द्वारा की गई है। डायरे गैर अर्जदार आहे यांना यांना गुन्हे 302 मर्डर केसची कलम दाखल करण्यात यावी। तसेच कायदा व सुव्यवस्था टिकवणे पोलिसाचे आद्य कर्तव्य आहे, मात्र यामध्ये कसूर दिसून येत आहे। पोलीस म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था टिकवणे हे पोलिसाचे आद्य कर्तव्य, मात्र यामध्ये त्यात कसूर दिसून येत आहे। याच्यामुळे आमचा गैरसमज होऊन राहिला आहे, समाज बांधवांचा गैरसमज होऊन राहिला आहे की यांचे आर्थिक संबंध तर नाही ना, असा प्रश्न उद्भवत आहे। या गोष्टीवर प्रामुख्याने कारवाई करायला पाहिजे प्रशासनाने आणि फुलबंदे कुटुंबियांना न्याय मिळावा, यासाठी आज आम्ही इथे नरखेड नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने मी राहुल कानोलकर जिल्हा अध्यक्ष या नेत्यांनी पारशिवनीत तहसीलदारांना निवेदन देत आहे। अशोक डायरे आणि गजानन डायरे।